देख रहे हैं एमपीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में शीतल। आई नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बाघ के हमले से दूसरी मौत, बालिका हुई शिकार। जिले के दक्षिणी सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम लेहगी निवासी 15 वर्षीय बालिका की बाघ हमले में मृत्यु हो गई है। 48 घंटे के अंदर बाघ के हमले से यह दूसरी मौत है। वन विभाग ने सतर्कता व सावधानी बरतने की अपील की है। दक्षिण सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र सिमनी सामान्य के प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि शनिवार की शाम को ग्राम लेहगी निवासी कुमारी शिव प्यारी पुत्री शशि कुमार विश्वकर्मा को बाघ ने घायल कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग अमला हरकत में आया और घटना स्थल पर पहुंचा। विभाग द्वारा मृतिका के परिजनों को त्वरित दी जाने वाली राहत राशि 10,000 रुपए दी गई है। मृतिका शिव प्यारी विश्वकर्मा के शव का पोस्टमार्टम रविवार की सुबह किया जाएगा। 2 अप्रैल को हुई थी पहली घटना। पेंच टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले घाट को हका बफर जोन क्षेत्र में आगरी बेट के जंगल से लगे हुए खेतों में महुआ बिन रहे 62 वर्षीय वृद्ध की बाघ के हमले से मृत्यु हो गई थी। बाघ द्वारा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आगरी पीठ कंपार्टमेंट 454 से लगे खेत में वृद्ध किसान खासीराम वर्मा ग्राम एरमा निवासी महुआ बिन रहा था। इसी दौरान बाघ ने हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिससे वृद्ध किसान की मौत हो गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभागीय अमले को मृतिका के परिजनों को दी जाने वाली 4,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि के प्रकरण को तैयार कर स्वीकृति की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जल्द ही मृतिका शिव प्यारी विश्वकर्मा के परिजनों को राहत राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। दिन रविवार को मृतिका शिव प्यारी विश्वकर्मा का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वन विभाग जनता से अपील करता है कि जंगल में अकेले ना जाए, ग्रुप में जाए। जंगल में प्रवेश करते समय सतर्कता और सावधानी जरूर बरतें।